देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल करण जौहर मेरे ब्रदर है और आप मेरे को जानबूझ के करण जौहर से क्यों लड़वाना चाहते हैं। आज वो यूएस में जाके बस गई है और अब क्यों ये बोल रही है। तो देखिए देखो पहली बात ये है कि बॉलीवुड को कोई बदनाम ना करे, टारगेट किया जाता है करण जौहर को, हमेशा टारगेट किया जाता है। राखी जी कल एक बड़ा कमेंट आया था प्रियंका से जिस तरह उन्होंने बॉलीवुड को लेफ्ट आउट किया। एक और कमेंट आया कि करण जौहर ने उनको काफी सारी मूवीज पे बैन किया क्योंकि वो शाहरुख खान के फ्रेंड है, उस पे आपका क्या कमेंट है? प्रियंका ने कहा क्या कहा कि मतलब उन्होंने बॉलीवुड इसके लिए छोड़ा और उसके बाद हॉलीवुड वो इसलिए बड़ी एक्ट्रेस का कमेंट आया है कि उन शाहरुख तो सब लोग अभी क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोल रहे? आपका क्या कहना है ये जो नेपोटिज्म चलती है बॉलीवुड को लेके, क्या आपने कभी फेस किया नेपोटिज्म? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल करण जौहर मेरे ब्रदर है, मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मेरे तो अपने खुद के वांदे हैं, है ना। आप मेरे को क्या पकड़ रहे हो? जो सच है वो है, मैं बॉलीवुड के खिलाफ बोल के इनके दुश्मन क्यों हूँ और आप मेरे को जानबूझ के करण जौहर से क्यों लड़वाना चाहते हैं, वो मेरा भाई है। तो प्रियंका चोपड़ा इतना लेट क्यों बोल रही है? पहले जब वो इतनी सारी फिल्में करती थी तब क्यों नहीं बोली? फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं किसी का साथ ना देकर न्यूट्रल बात करूंगी। आई लव प्रियंका, शी इज़ माई फ्रेंड, उनकी मॉम भी हमारी फ्रेंड है। तो उन्होंने जब इतनी सारी फिल्में करी, इतने अवार्ड लिए, पिंगा पिंगा गाना किए, इतने सारे फिल्म किए, तभी उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला? आज वो यूएस में जाके बस गई है और अब क्यों ये बोल रही है? और बात किसी को क्यों बदनाम करना है ना, क्यों करना? जब आप, मुझे यही बात समझ में नहीं आती है। पहले भी लोग जिसको यू नो लॉकडाउन था तो एक महिला थी जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, शायद मैं उनके शो में जाऊँ, वो हमारी बैंड बजाए, पर हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। वही महिला आप जिसका जिक्र करने की कोशिश, हाँ तुम चुप रहो जी। उन्होंने ये कमेंट किया है कि करण जौहर ने बैन किया उनको मूवी, क्योंकि वो काफी अच्छे दोस्त थे शाहरुख खान के। शाहरुख जी ने उनको कभी नहीं दोस्त माना था। किसकी बात कर रहे हो? नहीं, प्रियंका तो शाहरुख खान की दोस्त है, मैं किसी और की बात कर रही हूँ, जो ये नहीं समझेगा। ये तुम अभी है ना, तुम अभी दूध पीते बच्चे हो बेटा। ओहो तुम्हें पता है, हमने तो सुनाई नहीं देता भाई, हमें को शाम को तो हमको कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता हमको, सिर्फ तो देखिए देखो पहली बात यह है कि बॉलीवुड को कोई बदनाम ना करे। यहाँ पे ऐसे ही होता है कि आप आते हो, बर्फी मिठाइयाँ खा लेते हो, कुछ बन जाते हो, और जब आपको ऐसा लगता है कि बस अब ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे कुछ होना नहीं है, तो फिर यू नो आप किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगाते हो। तो आई टेल यू करण जौहर ऐसे है नहीं, टारगेट किया जाता है करण जौहर को, हमेशा टारगेट किया जाता है, ये अनफेयर। देखिए प्रियंका भी, आई लव हर, प्रियंका भी आई लव हर अ लॉट, बट इनके आपस में क्या खिचड़ी पक रही है हमें नहीं पता, हमारी दाल नहीं पक रही है मालूम है, है ना। मेरी राय मेथी जीरा सब ले लो। परिणीति चोपड़ा, वाह वाह वाह, राघव चड्ढा के साथ परिणीति चोपड़ा की शादी होने वाली है, आई एम सो हैप्पी। चलो एक बहन तो रहेगी इंडिया में, एक बहन तो रहेगी इंडिया में, दैट इज रियली नाइस।